हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये कैटरपिलर 12 सिलेंडर डीजल इंजन है। इसका साइलेंसर जो है बहुत लाल होता है, बिल्कुल एकदम लाल हो जाता है। और इसमें क्या रीज़न है लाल होने का, मैं आपको इस पूरा वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखें। इंजन मॉडल है 3412। फ्रेंड्स, इसका जो प्रॉब्लम है अभी सिलेंडर हेड का है, मैं आपको सिलेंडर हेड खोल के दिखाता हूँ। इसमें पहले हमने तो सबसे पहले इसका नोजल चेंज किया। कई बार नोजल ख़राब होने से भी जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, साइलेंसर जो होता है, वो पूरा लाल हो जाता है। लेकिन हमने इसमें न्यू डाल दिया, फिर भी ऐसा ही हो रहा था, इसलिए हमको इसको सिलेंडर हेड खोलना पड़ा। अभी हम इसको, चलो सिलेंडर हेड खोल लेते हैं और निकाल के मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये जो है अभी सिलेंडर हेड में फोरक्लिप, अभी इसको निकाल के नीचे रख के इसका बल्ब निकाल के मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या ख़राब है। इसको मैं बाहर निकाल के रख लिया। अभी इसको मैं थोड़ा पलटी करके बाद में इसको बल्ब आपको निकाल के दिखाता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें बल्ब जो है लीक होगा और सीट भी ख़राब हो सकता है। ये दोनों साइड का हमने हेड खोल लिया है। पिस्टन वगैरह सब सही है, पिस्टन में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका सिलेंडर हेड है, ये आप देख सकते हैं। ये जो इंटेक बल्ब है ये बिल्कुल डाउन हो गया है। ये इंटेक बल्ब है और दूसरा जो इधर छोटा वाला है एग्जॉस्ट बल्ब है। सब इंटेक बल्ब जो है थोड़ा थोड़ा सब डाउन है। ये एग्जॉस्ट बल्ब आप देख सकते हैं, ये भी डाउन है। ये बल्ब जो है पूरा लीक होगा, इसको हमको इसको ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। या तो आप, सीट ख़राब है तो सीट चेंज कर सकते हैं। अगर सीट ख़राब नहीं है, बल्ब ख़राब नहीं है, तो ग्राइंडिंग करने से चल सकता है। अभी मैं इसको इंटेक बल्ब, ये इंटेक बल्ब है, ये आप देख सकते हैं, ये जो उसका सीट से ज़्यादा डाउन हो गया है। बाद में ये देख रहे हैं आप, ये जो लास्ट में आके, ये लास्ट में आ गया है। बाद में यहाँ से पूरा लीक होता है, अच्छा से सीट नहीं बैठ पाता है सीट की जगह पे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरा लीक है। ये एग्जॉस्ट बल्ब भी सेम है, ये भी पूरा लीक है। अगर ये लीक होगा तो अक्सर साइलेंसर जो है वो पूरा रेड हो जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा डाउन है, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। ये दूसरा है इनलेट बल्ब,